हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में जी के प्रीवियस क्वेश्चंस क्वेश्चन गौश्यं पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनके क्वेश्चन और उनके आंसर जी के इस क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी उन कंपटीटर्स uh, को जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं कंप्यूटर्स के जे के या कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तो चलिए स्टार्ट करते हैं विच इज़ अ डिराइव डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेम्बर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन तो इसका आंसर आ जाएगा यूनियन जो यूनियन होता है वो सभी तरीके के डाटा टाइप को कंटेन करता है सब सभी तरीके के डाटा को मेंटेन करता है इन सेम मेमोरी लोकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी लैंग्वेज 53 थ्री इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवस बिगिन विद अ करेक्टर तो इसका आंसर हो जाएगा बी हैश के साथ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल सी लैंग्वेज में जो बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर होते हैं वो किस किस के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी कैरेट के थ्रू नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज हैज़ टू वेरियंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट तो फिफ्टी फाइव का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी इंक्रीमेंट तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास इसमें दो वेरिएंट रहते हैं फिफ्टी सिक्स इन सी लैंग्वेज ऑल द करैक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच करैक्टर तो इसका आंसर हो जाएगा नल करैक्टर इसे नल करैक्टर कहते हैं एक जो टेक्स्ट हम लिखते हैं सी लैंग्वेज में उस लाइन को स्टॉप करने के लिए टर्मिनेट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इन सी लैंग्वेज यूज फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट इनमें से कौन से मानक लाइब्रेरी फंक्शन सी भाषा में फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए उपयोग किए जाते हैं तो फिफ्टी सेवन का आंसर है डी प्रिंट एफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज इन स्कैन एफ फंक्शन टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट तो फिफ्टी एट का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी एक करेक्टर रीड करता है सिम्बल सी से फिफ्टी नाइन का वट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोर्स सेगमेंट इन सी प्रोग्राम तो ये इसी प्रोग्राम का एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है इस प्रोग्राम की आउटपुट पूछी गई है तो इसका आंसर होगा नाइन यहाँ पर जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट तो जो यहाँ पर प्लस प्लस लगा है वो है प्री इंक्रीमेंट तो पाँच की वैल्यू छः हो चुकी है प्लस सेवन अपॉन टू सबसे पहले सेवन अपॉन टू को डिवाइड करेंगे उसके बाद जो हम सिक्स में ऐड करेंगे और इस तरीके से थ्री प्लस सिक्स हमारे पास आंसर आ गया नाइन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है वट विल वी आउटपुट प्रोड्यूस बा फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम इस सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा तो इसका जो आंसर है वो है जीरो आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल इन सी द वेरिएबल नेम आर के सेंसिटिव द वेरिएबल कैन होल्ड ऑनली वैल्यू परमिटेड बाई इन डाटा टाइप तो इस तरीके से दो ऑप्शन और दिए गए हैं तो सिक्सटी वन का जो आंसर है वो है सी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इफ द साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन सी इम्प्लीमेंटेशन इज टू बाइट देन वट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल विद दिस टाइप तो सिक्सटी टू का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी इतनी रेंज हमारे पास टू uh, बाइट्स में शॉर्ट टाइप डाटा डाइप में स्टोर होती है सिक्सटी थ्री वट इज़ द डेसीमल रिप्रजेंटेशन ऑफ द टूज कॉम्प्लीमेंट्स नंबर वन वन जीरो वन जीरो वन वन तो ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है यहाँ पर तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाइनरी के किस रिप्रजेंटेशन को दर्शाता है तो इसका सिक्सटी थ्री का आंसर होगा हमारे पास माइनस ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इन हाई ट्रिपली फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिस रिप्रेजेंटेशन तो सिक्सटी फोर का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ट्वेंटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज मेक यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कौन सी जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन में कंपायलर और इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ था तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी एच सी पी डी एच सी पी विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सिक्सटी सेवन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाई फाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरलेस फर्टिलिटी आगे बढ़ते हैं सेवेंटी सेवन ये पेजेस आगे पीछे हो गए हैं जो इसके बाद आएंगे वो आगे आ जाएंगे सेवेंटी सेवन अमेज़न वेब सर्विसेज इज़ ए एंड डैश सर्विसज़ प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस एस आई डब्ल एस एंड पी डब्ल एस सोलूशन तो ऑप्शन सेवेंटी सेवन का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी सेवेंटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडॉप इंक आई एंड सी तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास सेवेंटी एट का वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो ब्लेंडर है वो एडोब का प्रोडक्ट नहीं है ये फोटोशॉप इन डिज़ाइन इलस्ट्रेटर ये एडोब के प्रोडक्ट्स हैं सेवेंटी नाइन हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज तो ये सभी को मालूम होगा सी लैंग्वेज के डेवलपर कौन थे तो इसका ऑप्शन सही है डेनिस रिची ऑप्शन डी सेवेंटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म्स एंड देयर इन्वेंटर्स इसमें से नाम दिए गए हैं नेटवर्किंग टर्म्स के और उनके इन्वेंटर इन्वेंटर्स कौन कौन से थे तो क्वेश्चन नंबर एटी का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा जिसमें डब्ल्यू 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 के इन्वेंटर है टीम बर्नली ई मेल के है रे टमलसन और इंटरनेट के है विंटॉन सेफ और आ, तीन ही ऑप्शन है यहाँ पर हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी भी कहते हैं कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किस जनरेशन में आईसी का यूज़ हुआ था तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास थर्ड जनरेशन में हम आईसी uh, का यूज़ करने लगे थे क्वेश्चन नंबर एट्टी टू हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द सी डी रोम इनमें से कौन सी डी रोम के आविष्कारक हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स रसेल क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ यू एस बी यू एस बी के इन्वेंटर कौन थे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अजय भट्ट ऑप्शन ए एटी थ्री के आगे बढ़ते हैं यहाँ से सिक्सटी एट आ गया है अब ए डैश इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शन इसमें ऑफ द ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम सी पी यू का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है परिचालन प्रणाली का हिस्सा है जो मुख्य कार्यों को ओएस के मुख्य कारों को संचालन करता है तो जो सिक्सटी एट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्कैनर मे हैव एन ए डी एफ टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी एफ इन दिस स्टेटमेंट तो सिक्सटी नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन वन एम आई बी तो सेवेंटी का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी टू की पावर ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सॉरी ये ऊपर चला गया है इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमरी कैपेसिटी यूनिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सेवेंटी वन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे पहले जी बी जी बी से बड़ा टी वी टी से बड़ा पी बी पी बी से बड़ा ई बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द टर्म हिट्स एंड मेस आर एसोसिएटेड विद विच मेमरी तो सेवेंटी टू का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी कैश मेमोरी। मेमरी नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंटी थ्री विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स कंटेंस फ्यूजर असेंबली तो सेवेंटी थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेजर सेवेंटी फोर बाई यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मल्टी पेजिस डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजिस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी तो सेवेंटी फोर का जो सही आंसर हो जाएगा सी कॉल सेवेंटी फोर का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवेंटी फाइव द डैश प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर विद पोजनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज तो इसमें से कौन सी सर्विसेज है जो पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है तो हमारे पास सभी को मालूम है हमारे फ़ोन पे होते हैं जी पी एस सेवेंटी सिक्स इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवान्टिड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रॉपिंग क्रॉपिंग से हम वही इमेज सेलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए होती है उसका आउटर एरिया जो हम उसको कट कर सकते हैं 84 फोर वट इज़ शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसे हम एम एस वर्ड भी कहते हैं तो यहाँ पर 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंट्रोल डी एटी फाइव एटी फाइव फॉन्ट साइज साइजिस आर जनरली मेजर इन पॉइंट्स विच इज़ इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच तो ऐटी फाइव का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन अपॉन सेवनटी टू सेवेंटी सिक्स एम एस वर्ड हैज़ टैब स्टॉप्स सेट एट एवरी डैश इंच बाई डिफॉल्ट जब हम एम एस वर्ड में काम कर रहे होते हैं और हम कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं तो कितने इंच वो आगे गैप में चलता है तो इसका जो सही आंसर है एटी सिक्स का वो है ऑप्शन ए वन अपॉन टू आगे बढ़ते हैं एटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक्स इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में इनमें से कौन सा सेक्शन ब्रेक का एक विकल्प नहीं है तो एटी सेवन का जो सही आंसर है वो है नेक्स्ट पैराग्राफ 88. एट विच आर द फॉलोइंग टैब्स इन एम एस वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट्स एम एस वर्ड्स में फुट नोट लगाने के लिए हम कौन से टैब में क्लिक करते हैं किस ऑप्शन टैब ऑप्शन में उसका ऑप्शन रहता है तो 88 एट का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट इन विच आर द फॉलोइंग टैब्स इन एम एस वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट तो हम फुट नोट सॉरी हम रेफरेंस से दे सकते हैं हाँ uh, इंसर्ट में हम हेडर और फुटर लगा सकते हैं चलिए हमको यहाँ से ये भी पता लग गया कि अगर हमने कोई हेडर फुटर लगाना है ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है अगर हमने हेडर फुटर लगाना है एम एस वर्ड में जैसे टाइटल देना है हेडर और फुटर में तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे और अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टैब्स इन एम एस वर्ड कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट फुट नोट्स अगर आपने फुट नोट्स देने हैं तो रेफरेंसेस में जाएंगे अगर हैडर और फुटर होता फुटर होता तो इंसर्ट में होता अगर फुट नोट्स है तो वो हो जाएगा रेफरेंस में तो इसका जो सही आंसर है वो है रेफरेंस इंसर्ट इस वक्त रॉन्ग आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं एटी नाइन हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेज और इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट तो एटी नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन

ऑफ़ रेसिपियंट्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस तो 91 वन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेल मर्च मेल मर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर uh, में एमएस वर्ड में जहाँ पर हम कोई कॉमन टॉपिक को बहुत सारे रेसिपियंट्स को भेज सकते हैं मतलब एक मैसेज हम बहुत सारे uh, लोगों तक पहुँचा सकते हैं वो थ्रू मेल मर्ज करते हैं नाइन्टी टू एम एस वर्कशीट what is द की combination used टू इंसर्ट a न्यू लाइन करैक्टर इन द text ऑफ अ सेल इन MS Excel worksheet वर्कशीट तो 92 टू का जो सही आंसर है वो है ऑल्ट एंटर चलिए नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 93 थ्री एन एरे फार्मूला कैन बी एंटेड एन एरे फार्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन एम एस एक्सएल बाय एंटरिंग फार्मूला एंड प्रेसिंग डैश टू तो नाइन्टी तो थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट एंटर नाइन्टी फोर कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एम एस वर्कशीट अगर हम ये एक्सेल का हमारे पास यहाँ पर एक्सेल का डाटा दिया गया है अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक्सेल फॉर्म में दिया गया है ए बी सी डी और और वन टू थ्री इस तरीके से दिए गए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरे ए फॉर्मूला अगर यहां पर ये यह फॉर्मूला लगा है तो इसका आंसर क्या होगा तो नाइन्टी फोर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फिफ्टी फाइव नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नाइन्टी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एम एस एक्सएल वर्कशीट तो नाइन्टी फाइव का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सिक्सटीन देखिए एक् एक्सेल जो है कैलकुलेशन वर्क के लिए यूज़ होता है डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है तो इसमें कुछ एक फार्मूलाज के थ्रू हम क्या करते हैं जो सेल होते हैं जिसे हम ये हमारे पास हम इसको सेल कहते हैं इनमें पड़ी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं मनीपुलेट uh, करते हैं हम उसको ऐड करते हैं इसमें से कोई भी फार्मूला लगा के हम क्या करते हैं अपने आंसर निकालते हैं या हमारी रिक्वायरमेंट जो हम वो करते हैं तो इसका जैसे सिंपल सा है कि भाई हम स्टार्टिंग करते हैं uh, इक्वल टू से कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से तो इस तरीके के कई ऑप्शनस हैं हमारे पास तो इसका आंसर था बी आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट फाउंड इन एम एस एक्सएल एम एस एक्सएल में कौन सा फीचर्स जो है वो नहीं होता है पहला है स्प्लिट अ सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग मर्ज एडजेंट सेल्स और इंसर्ट रो तो नाइन्टी सिक्स का जो सही आंसर है वो है स्प्लिट अ सेल सेल यहाँ पर सेल को स्प्लिट नहीं किया जाता यहाँ पर ऑप्शन रहता है हमारे पास मर्ज का तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 96 का 97 सेवन अज्यूम दैट यू हैव फुल नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज इन वन कॉलम ऑफ द एम एस द ऑप्शन डैश लेट्स यू स्प्लिट द फुल नेम कॉलम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा एक्स टू कॉलम यहां पर जो हमारे पास जैसे रो दी गई होती है जैसे एक्सेल में मान लीजिए कॉलम दिया है तो हम इसकी वैल्यू को आगे रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमारे पास ये वैल्यू होगी तो इस तरीके से ये वैल्यू रो में आ जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं नाइनटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन एक्सेल लेट्स यू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ सेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा वैलिडेशन 99. नाइन एज्यूम दैट इन एमएस एक्सेल शीट सेल ए वन कंटेन्स द वैल्यू 10% परसेंट एंड द सेल ए टू कंटेन्स द वैल्यू 5% परसेंट देन वट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ए वन मल्टीप्लाई ए टू तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो नाइन्टी नाइन का हो जाएगा बी पॉइंट जीरो जीरो फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला इन एम एस एक्सएल टू राउंड अ नंबर इन अ सेल ए वन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेन तो हंड्रेड का जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी राउंड इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट ए वन कॉमा माइनस वन तो फार्मूलाज दिए गए हैं इनमें से बताना है कि हमें कौन सा फार्मूला लिखने का सही तरीका है राउंड फार्मूला तो ये हमारे पास सही ऑप्शन था नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एमएस एक्सएल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क्स ऑफटेन बाय द स्टूडेंट्स इफ़ द मार्क्स आर बिलो टेन तो वन जीरो वन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सएल का बहुत ही अच्छा फीचर्स रहता है इसमें हम किसी भी तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं हमारे पास मान लीजिए हंड्रेड स्टूडेंट है जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा है हम अपनी कंडीशन के हिसाब से जैसे रिजल्ट निकालना है हंड्रेड एटी परसेंट किसके हैं नाइन्टी परसेंट किसके हैं कोई कॉपी वर्ड है जैसे सेम नेम के कितने स्टूडेंट्स हैं इस तरीके के मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर हम अपने रिकॉर्ड में से डाटा को निकाल सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एम एस एक्सएल पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये इनमें से एम एक्स एक्सेल में सही तरीके से किसी सेल का एड्रेस लिखने का तरीका कौन सा है तो जैसे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं तो वन ज़ीरो टू का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर हम इस तरीके से सही एड्रेस का सेल लिखते हैं चलिए नेक्स्ट है वन ज़ीरो थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एम एक्स एक्सएल इज़ यूज टू सर्च अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम of टेबल एंड रिटर्न return the वैल्यू value from another कॉलम इन the सेम रो तो 103 जीरो थ्री का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन वी लुकअप वी लुकअप और एच लुकअप एम एस एक्सल के बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं जहाँ पर हम पर्टिकुलर मान लीजिए कोई जैसे कोई प्रोडक्शन हो रही है तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि एक दिन में उसकी प्रोडक्शन क्या थी या पूरे महीने की उसकी प्रोडक्शन कितनी रही आ, या सिंपल अटेंडेंस के मामले में मान लीजिए अगर कोई एम्प्लाइज uh, का अटेंडेंस निकालना है कि एक मंथ में वो uh, कितने दिन एबसेंट रहा कितने दिन प्रेजेंट रहा है उसकी टाइमिंग क्या है तो वी लुकअप वर्टिकोल लुकअप और हरिजेंटा लुकअप जिसे हम एच लुकअप और वी लुकअप कहते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पर काम करते हैं तो इसका आंसर था वी लुकअप वन जीरो फोर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटर्ड इन एस तो वन जीरो फोर का जो सही आंसर है वो है कॉलम एम फोर टाइम एम ऑप्शन सी चलिए आगे बढ़ते हैं ए डैश इज़ अ टूल इन एम एस टू कैलकुलेट समराइज एंड एनालाइज डाटा टू स्टडी पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डाटा तो वन जीरो फाइव का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम पाइवर टेबल भी बोलते हैं पीवर टेबल भी बोलते हैं एम एस एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में तो इसका भी एक अलग से वीडियो बना के देखेंगे कि हम एक्सेल को स्टार्टिंग से देखेंगे कि इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चन इस तरीके से हम एक वीडियो में इसको कवर करेंगे आगे है विच फीचर इज इन एमएस एक्सेल लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंसिक्यूटिव आट नंबर्स इन अ कॉलम ऑफ द शीट तो 106 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल एरो सीरीज नेक्स्ट है एज्यूम दैट इन एम एस एक्स शीट सेल ए वन एंड ए टू कंटेन वैल्यू फाइव एंड फाइव परसेंट देन वट विल बी द वैल्यू ऑफ द फार्मूला ए वन प्लस ए टू एंटर्ड इन सेल ए थ्री ऑफ दैट शीट तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वन जीरो सेवन का हो जाएगा ऑप्शन सी फाइव ज़ीरो फाइव परसेंट नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इन एम एस एक्सएल शोन नमेरिकल डाटा एज स्लाइसिस ऑफ अ सिंगल सर्कल तो वन जीरो एट का सही आंसर है ऑप्शन डी पाई नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन एम एस एक्सएल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक्स एंड प्ले दैम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड तो वन ज़ीरो नाइन का सही आंसर हो जाएगा मैक्रो मैक्रो की सहायता से हम एक वर्ड्स को या हमने जो भी कंटेंट कॉन्टेंट लिखा गया है हम हमने लिखा है हम उसको बार बार रिपीट कराना चाहते हैं किसी एक की स्ट्रोक से एक ही प्रेस करें और जितना भी हमने कंटेंट लिखा था वो दोबारा से रिपीट हो जाए तो हम मैक्रो की सहायता से वो फीचर्स ऐड करते हैं अपने एम एस में नेक्स्ट है वट इज़ द फुल फम ऑफ़ यू डी पी विद रेफरेंस टू टी सी पी आई पी तो ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ से वन टेन का तो वन टेन का सही आंसर है ऑप्शन डी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जैसे यहाँ पर ये भी दिया गया इन रेफरेंस ऑफ टी सी पी आई पी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर ये यू डी पी है जिसे हम यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं नेक्स्ट uh, है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज़ ऑल द नोट्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट्स लाइक अ हब और अविच तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा स्टार स्टार में हम क्या करते हैं एक सिंपल हमारे पास नोड होता है बहुत सारे नोट्स रहते हैं और वो क्या करते हैं इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है तो इसका जो सही आंसर था वो था स्टार नेक्स्ट है

डोमेन नेम सर्विस कहते हैं नेक्स्ट uh, है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइसेस तो क्वेश्चन नंबर वन फोटीन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वायरलेस नेटवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लेंथ इन बिट्स ऑफ एन आई पी सिक्स एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर दो तरह के वर्जन रहते हैं पहले हम आई पी वी फोर यूज़ करते थे अब हम आई पी वी सिक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है वट इज़ लेंथ इन बिट्स ऑफ एन आई पी वी सिक्स एड्रेस तो वन वन फाइव का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वन टू एट वन ट्वेंटी एट नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ आई पी एड्रेस बिलोंग्स टू द डैश लेयर ऑफ ओ एस आई एस ओ एंड ओ एस आई रेफरेंस मॉडल तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वन वन सिक्स का वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर में हम क्या करते हैं आईपी एड्रेस बिलोंग्स करता है ओएसआई और आईपी आईएसओ रेफरेंस मॉडल में नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिकमेंड रिकमेंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी कैट सिक्स केबल तो जो हमारे इंटरनेट की यूटीपी कैट सिक्स केबल है उसकी अधिकतम लंबाई क्या होती है तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी यूजेबल आई पी वी फोर एड्रेस आर देयर इन अ नेटवर्क विच विद सब नेट मास्क टू फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट टू फोर जीरो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्टीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग आई पी वी एड्रेस सीरीज इज रिवर्सड बाय आई ए एन ए फॉर प्राइवेट यूज़ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो, हो जाएगा ऑप्शन बी वन नाइन्टी टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो अपॉन सिक्सटीन जो जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है उसका आईपी एड्रेस वन नाइन्टी टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट होता है नेक्स्ट है इन विच मॉड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कैन अकर्स इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम कम्युनिकेशन का वो कौन सा साधन है जहाँ पर हम जहाँ पर ट्रांसमिशन दोनों साइड रहती है लेकिन एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन चलता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हाफ डुप्लेक्स क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी का ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी जी एस एम यू एम टी एस एन एल टी ई आर द टाइप ऑफ यहाँ पर ऑप्शन है वाईफाई टेक्नोलॉजी दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी तीसरा है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ तो वन ट्वेंटी वन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये हमारे सारे फ़ोन के सर्विस रहती हैं जो हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स वाइज इज़ नॉट फाउंड इन यू टी पी केबल जैसे हमारे पास कलर um, कॉम्बिनेशन रहता है जो हमारे पास नेटवर्किंग की वायर होती है यूटीपी केबल्स होते हैं तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन वायर होती हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पर कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता है कलर्स नहीं होता तो वन ट्वेंटी टू का जो सही आंसर हो जाएगा येलो पीला नेक्स्ट है वन ट्वेंटी थ्री कॉमा कली एंड सीडेंट ओ एस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द विच ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारे किस चीज़ के किस डिस्ट्रीब्यूटर uh, के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वन ट्वेंटी थर्ड के आ जाएंगे ऑप्शन बी लाइन एक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिल्ट इन वेब ब्राउजर फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऐपल का प्रोडक्ट है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो वन ट्वेंटी फोर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफारी जब भी हम मैकबुक यूज़ करते हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो जो सफारी है वो बाई डिफ़ॉल्ट ओएस का है जैसे हमारे विंडोज़ का है इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे ही हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का बाई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है सफारी नेक्स्ट है वन व्हाट इज़ द कमांड इन लाइन टू लिस्ट दायरेक्ट्री कॉन्ट कंटेंट्स तो इसका जो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज़ द डैश मोड इन गूगल क्रोम ब्राउजर कैन बी यूज फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग वन ट्वेंटी सिक्स का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है द फेमस वनक्राई मालवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश तो ये जो जो प्रसिद्ध वनक्राई मालवेयर था एक एग्जाम्पल है किस चीज का ये रैनसम वेयर का तो so, इसका सही आंसर हो जाएगा रैनसम Where 128 A dash is a malware that grabs the keystroke pressed by the user and send them to the hacker. So answer is the 128 ka, option D key logger? 129. Which of, which network security device allow or block blocks the incoming and outgoing network traffic based on a defined set of security? रूल्स तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फायर वॉल विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडो लाइन एक्स इज यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क्स कनेक्शन तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेट स्टेट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेल टैक्स इज यूज टू क्रिएट अ अंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम तो 131 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन

वन थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ यू आर एल तो वन थर्टी फोर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेस टाइप वन थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेल टैग टू क्रिएट डाटा सेल इन अ टेबल तो वन थर्टी फाइव का सही आंसर हो जाएगा डी टेबल डाटा टी डी हम कहते हैं टेबल डाटा नेक्स्ट है वन थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एस्टिमेल टैग टू इंसर्ट एन इमेज इन द वेब पेज एक वेब पेज में एस्टीमेल जब हम एस्टीमेल पे काम करते हैं तो एक इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इमेज टैग 137 थर्टी सेवन इन डैश सी एस एस स्टाइल इज स्पेसिफाइड यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट तो 137 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन लाइन वन थर्टी एट विच आर द फॉलोइंग सी एस एस प्रॉपर्टीज इज़ यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कॉन्टेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट तो वन थर्टी एट का सही आंसर हो जाएगा पैडिंग सेल पैडिंग होता है ऑप्शन बी वन थर्टी नाइन हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइल विद एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट अगर हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं उसको एस टी एम एल की फाइल में कैसे आ, लिंक करेंगे तो उसके लिए क्या लाइन कोड रहता है हमारे पास तो इसका जो 139 का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम क्या करते हैं एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की फाइल को जी फाइल को हम एसटीएमएल में एम्बेडेड करते हैं उसको मर्च करते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एसटीएम टैग्स इज यूज टू क्रिएट ए हाइपर लिंक्स इन द वेब पेज तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 140 का ऑप्शन सी ए अगर हमने कोई एक हाइपर लिंक लगाना हो एस टी एम एल के पेज में अगर हमने वेब ब्राउज़र में वेब पेज में एक हाइपर लिंक लगाना हो तो एस टी एम एल में हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं जिसे हम ए कहते हैं एंकर टैग इस तरीके से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेन जैसे हमारे पास गूगल में गूगल असिस्टेंट वॉइस असिस्टेंट रहता है वैसे ही एम एस वर्ड विंडोज़ टेन में वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है तो वन फोर्टी वन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी कोटाना वन फोर्टी टू विच मोड डिसेबल्स आर डिवाइस ऑल द वायर वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शंस लाइक सेलुलर रेडियो वाईफाई एंड ब्लूटूथ तो वन फोर्टी टू का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरोप्लेन एरोप्लेन मोड से क्या हो जाएगा ये इसी तरीके का वाईफाई ब्लूटूथ जो भी कनेक्शंस uh, हैं वो क्या हो जाएंगे डिसेबल हो जाएंगी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस मालवेयर एंड स्पाइवेयर तो इसका जो वन फोर्टी थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिफेंडर ऑप्शन फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी फोर विंडोज डैश मोर्स बूस्ट द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनैलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस तो वन फोर्टी फोर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेफ वन फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स इन इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट इन विंडोज टेन तो यहाँ पर जो जैसे हमारे पास पीछे क्वेश्चन था कि मैक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है बाई डिफॉल्ट जो ब्राउजर था वो सफारी थी और वहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा रहता है देखिए यहाँ पर ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने पहले देखा था इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहता है और हमारे पास विंडोज़ टेन की बात करेंगे तो उसमें एजिस भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन दोनों सही हैं वन फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री क्लाउड स्टोरेज services provided by microsoft to store the personal file of the user to 146 consolujik option d next uh, windows dash consists of quick action area and the notification area to enable convenient access to them 147 consolujik option c action center 148 148 uh, which of the following character is not allowed in a file name इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो 148 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क से कोई भी नाम स्टार्ट नहीं होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज़ यूज टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो 149 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सी एच के डी एस की चेक डिस्क तो 150 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडो टास्क मैनेजर तो इसका जो सही आंसर होगा 150 150 का तो ये होगा कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट एस्केप जब हम कंट्रोल ऑल्ट एस्केप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉर्टकट की है विंडो टास्क मैनेजर ओपन करने का नेक्स्ट है 151 का द डैश इज अ डाटा बेस यूज बाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर द सेटिंग्स फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एयर यूजर सेटिंग तो वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजिस्ट्री नेक्स्ट है वट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू टर्मिनेट आर रनिंग प्रोसेस तो 142 फोर्टी टू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किल किल ऑप्शन से हम कोई भी लाइन एक्स कमांड को टर्मिनेट कर सकते हैं रनिंग प्रोसेस में वन फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन लेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रो एज पर गिवन कंडीशन तो यहाँ पर डाटाबेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो वन फिफ्टी थ्री का जो सही आंसर होगा वो होगा वियर क्लॉज वन फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू एड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट है जिसमें हम न्यू कॉलम एड करते हैं टेबल में तो वो कौन सी कमांड है तो 154 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टर टेबल नेक्स्ट है 155 फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सी भाषा एस टी एम एल डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्टिंग भाषा के तौर पर यूज़ होती है तो ऑप्शन में है जावा स्क्रिप्ट जावा फोर्टन या पाइथन तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट ऑप्शन ए वन फिफ्टी फाइव का नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डी डी एल सिक्वल कमांड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं हम इसको डी डी एल तो वन फिफ्टी सिक्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्रिएट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल एक्स फॉर विच ऑफ द कॉलम वाई हैज़ द वैल्यू ऑफ मोर देन सेवेंटी तो 157 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एक्स वेयर वाई ग्रेटर देन 70 यही सही सेंटेक्स है लिखने का 158 फिफ्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग एटीब्यूट मस्ट बी डिफाइन इन एन इनपुट एलिमेंट इन एस एम एल फॉर्म टू एंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक तो 158 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिक्वायर्ड जब हम रिक्वायर्ड डिफाइन uh, कर देते हैं एट्रीब्यूट को तो हम किसी भी कॉलम uh, को या फील्ड्स को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं सबमिट बटन दबाते हैं तो उसमें ऐसे एक ऑप्शन मैसेज शो हो जाता है कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट यू हैव टू फिल द डाटा इन पर्टिकुलर टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट तो यहाँ पर वन uh, का जो क्वेश्चन uh, है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एम एस एक्सएल तो यहाँ पर एम एस एक्सएल में मैक्रोज बनाने के लिए इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वन फिफ्टी नाइन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी वी बी ए विजुअल बेसिक्स नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सी पी यू कॉम्पोनेंट्स जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शन तो वन सिक्सटी का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट वन सिक्सटी वन द टर्म एस एस आई डी इज़ एसोसिएटेड विद विच नेटवर्क नेटवर्किंग का क्वेश्चन है ये तो वन सिक्सटी वन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वाई फाई नेक्स्ट है हाउ विल यू इंसर्ट द सिम्बल लेस देन इन एस टी एम एल तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे मान लीजिए हमने अगर ये देन शो करना है तो हम किस तरीके से यू यूज़ करेंगे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं एंड और एल टी इस तरीके से तो ऑप्शन सी इसका सही होगा हाँ वन सिक्सटी थ्री वन सिक्सटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर जी आई लेनेक्स डेक्सट एनवायरमेंट तो वन सिक्सटी थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा जी एन ओ एम ई नेक्स्ट ऑप्शन ए वन सिक्सटी फोर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑपरेट ऑपरेटिंग लेयर थ्री ऑफ आई एस ओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल तो जो वन सिक्सटी फोर का सही आंसर हो जाएगा राउटर राउटर जो है लेयर थ्री पर काम करता है ओ एस आई मॉडल के इसमें ओ एस आई में पूरे सात लेयर होते हैं सेवन लेयर्स होते हैं ये नेटवर्किंग का पूरी नेटवर्किंग हमारी ओ एस आई ही बेस्ड होती है नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन ए सी डी इज़ ऑल्सो नॉन एज डैश डाटा टू द सी डी तो हम जैसे सी uh, डी में डाटा जब हम फीड करते हैं जब हम डालते हैं तो उसे इस नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए बर्निंग अगर हम जब सी डी बर्न कर रहे हैं इट मीन्स हम उसमें डाटा फीड कर रहे हैं डाटा डाल रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से रिलेशनल डाटाबेस कौन सा नहीं है तो ऑप्शन सी मोंगो डी और एक कल हमारे पास डाटाबेस है सीक्वल सर्वर हमारे पास डाटाबेस है माई सीक्वल हमारे पास डाटाबेस है जैसे सीक्वलाइट हमारे पास मोबाइल डाटाबेस रहता है लेकिन जो मोंगो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से ये डाटा नहीं है रिलेशनल डाटा नहीं है वन सिक्सटी सिक्स का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा हमारे पास सी नेक्स्ट है

चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वल क्वेरी टू फैच द रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय इम टेबल हैविंग सैलरी लेस देन फाइव थाउजेंड इम्प्लॉय टेबल में से पाँच हजार में से कम वेतन वाली रो की जानकारी निकालने के लिए जिनकी पूरी लिस्ट में से पाँच हज़ार से कम जिनको सैलरी मिलती है उनकी पूरी रो निकालने के लिए हम हम एम एस एक्सल में सॉरी एम एस एक्सएल ही सीक्ल क्वारी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज में डाटा बेस में कौन सी कमांड लगाएंगे तो जो वन सिक्सटी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन फाइव थाउजेंड हमारे पास जिनकी सैलरी फाइव थाउजेंड से कम है उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी वन सिक्सटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्ल स्टेटमेंट टू डिलीट आर डाटा बेस इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट uh, है एक डाटा बेस को डिलीट करने का तो इसका ऑप्शन होगा सही ड्रॉप टेबल टेबल नेम ड्रॉप कमांड हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल टेबल का नेम लिखेंगे और वो टेबल डिलीट हो जाएगी डाटा बेस से लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सी एस एस रूल सी एस एस रूल लिखने के सही तरीके कौन से हैं हमारे पास तो पी कॉलन ये ऑप्शन डी वन सेवन डी का ऑप्शन डी सही होगा तो ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों इसके कम आ, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड स्टडी करनी है अगर आप किसी टॉपिक में चाहते हैं कि वीडियोज आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद